हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और ये वीडियो नंबर 6 जिसमें बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पार्ट है। यहां पर बात करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यस, इससे पहले हमने बात किया था ऑक्सीडेशन पर और इस वीडियो में बात करेंगे रिडक्शन पर। दो टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, केवल रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम लोग लेके चलेंगे एल्केन में और एल्कोहल में, दो ही केवल कन्वर्जन करने वाले हैं यहाँ पर। आप लोगों को कन्वर्जन से रिगार्डिंग भी यहाँ पर अपने दिमाग को सेट करना चाहिए कि आपको रिएक्टेंट ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ध्यान रखना है, किससे क्या बनता है, इस बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रिडक्शन टू एल्केन। ठीक है, सबसे पहला है रिडक्शन टू एल्केन और रिडक्शन टू एल्कोहल। तो पहला बात करेंगे रिडक्शन टू, यहाँ पर एल्कोहल पे बात करते हैं, उसके बाद एल्केन और हाइड्रोकार्बन पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी आप एल्डिहाइड को या कीटोन को, ध्यान देना, एल्डिहाइड को या कीटोन को अगर आप रिड्यूस करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम, तो निकल के साथ में अगर आप रिड्यूस करते हैं इसको तो आपको क्या मिलेगा, आर। देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एक कार्बन के साथ में, एक ऑक्सीजन के साथ में, ये एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप एक और हाइड्रोनेट कर देंगे, हो जाएगा CH2, बचा ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा OH, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये अल्कोहल मिल जाता है 1 डिग्री, यानी कि आप इस बात को समझे हैं कि जब भी एल्डिहाइड को रिड्यूस किया जाता है तो आपको एल्डिहाइड को रिड्यूस करने पर 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम कीटोन भी अगर लेके चले, कीटोन को रिड्यूस करने पर भी आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो कभी भी आप 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल अगर एल्डिहाइड कीटोन से बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं, राइट। तो देखिए इसमें भी आप R CH, ये R हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ओके पास, ओ हाइड्रोजन हमने यहाँ ऑक्सीजन के साथ लगाया, तो हमेशा इस बॉन्ड को तोड़ देते। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते थे, CH बॉन्ड और OH बॉन्ड क्लीवेज, और यहाँ पर जस्ट उल्टा है, कार्बनल ग्रुप के बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों जगह पर एक एक हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर देना, यही एक ट्रिक चल रही है हमेशा। कभी भी आपको अगर रिडक्शन करना हो तो कार्बनल ग्रुप के साथ में एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह प्रोवाइड कर देना, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखिए कीटोन आपको देता है 2 डिग्री का एल्कोहल, चाहे वो सिमेट्रिक हो अनसिमेट्रिक हो, आप 2 डिग्री का एल्कोहल बना सकते हैं रिडक्शन करके। तो दो टॉपिक उम्मीद करता हूँ इसमें समझ में आ गए होंगे, रिडक्शन टू एल्कोहल और रिडक्शन एल्डिहाइड का करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है और कीटोन का करते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है। इसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ दूसरे रिएक्शन पर, दूसरा रिएक्शन हमारा रिडक्शन टू एल्केन। कई बार इसमें लिखा होता है एल्कीन के साथ में, या फिर इसकी जगह हम लिखा सकते हैं हाइड्रोकार्बन, तो रिडक्शन टू एल्केन या हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें दो रिएक्शन पढ़ना बताने वाला हूं मैं आपको, एक है हमारा क्लीवेंसर रिडक्शन और एक है हमारा वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ध्यान देना, ऑलवेज कीप इन माइंड, क्लीवेंसर रिडक्शन क्या होता है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है, दोनों पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला रिएक्शन हमारा क्लीवेंसर रिडक्शन। अब देखिए क्लीवेंसर रिडक्शन क्या होता है इस बारे में बात करते हैं। क्लीवेंसर रिडक्शन ये कहता है कि कभी भी आप एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करते हैं इसमें जिंक अमलगम के साथ, तो जिंक अमलगम के साथ जब भी आप रिएक्शन करते हैं तो आपको एल्केन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में कोई भी एक कंपाउंड लेके चलते हैं एल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड हो गया, इसे आप रिड्यूस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम ZnHg और साथ में HCl होता है, इसके साथ आपको हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का चांस मिलेगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, CH3 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन को ऐड करना है, ऑक्सीजन को हटाना है, CH3 हो जाएगा और साथ में एक मोल वाटर। तो यहां पे कितना टोटल 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया आपने। ध्यान देना रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर हमने 2 हाइड्रोजन को ऐड किया, इसके साथ CH3 हो जाएगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, उसके साथ में 2 मोल हाइड्रोजन को 2 इस्तेमाल किया और वाटर बना दिया। इस तरह से आप रिडक्शन करते हैं, ऐसे ही आप कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। कीटोन आपके पास अवेलेबल है, 4 हाइड्रोजन की आपको जरूरत पड़ने वाली है जिंक अमलगम, ठीक
क्या मिलेगा देखिए, सेम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन को यहां पे ऐड कर दिया बीच वाले मिडिल कार्बन पर, ऑक्सीजन था रिमूव कर दिया, साथ में ये ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ में ये वाटर बना देगा। तो ये है क्लीमेंसल रिडक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब मैं आपसे आगे बात करने वाला हूं, क्योंकि लास्ट रिएक्शन है हमारी इसमें, ये है हमारी दूसरा वोल्फ-किशनर रिडक्शन। वोल्फ-किशनर रिडक्शन, वोल्फ-किशनर रिडक्शन क्या होती है बेटा, ध्यान देना कि जब हम किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करते हैं हाइड्रोजन के साथ में, ध्यान दो कि जब भी हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का रिएक्शन मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया हुआ है आपको, NH2NH2, ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है और ये कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल ऑक्सीजन के यूज में हमने आपको बताया था कि यहां से आप कार्बोनिल हाइड्रो ये ऑक्सीजन और इधर से हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। यहां पर -H2 आप दिखाएंगे तो मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड N और NH2, ये आपका हाइड्रोजन मिलेगा। लेकिन हाइड्रोजन मिलने के बाद आप इसे हीट करते हैं 453 केल्विन पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, 453 केल्विन के साथ जब भी आप हीट करेंगे तो यहां पर ये एल्डिहाइड मिलेगा आपको CH3 और यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये आपको सॉरी यहां से ये नाइट्रोजन निकाल देंगे तो यहां पर आप लोगों को बेटा ये एल्केन देगा। देखिए ध्यान से, ये दोनों नाइट्रोजन यहां से बाहर निकालिए, दो हाइड्रोजन और ये तीन, तो कितने हो जाएंगे टोटल, तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे और साथ में नाइट्रोजन गैस को आप बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक और फिर समझें कि जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे बाय प्रोडक्ट मिलेगा और आपको हाइड्रोजन मिलेगा। जब आप हाइड्रोजन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप हीट करते हैं 453 केल्विन पर अप्रोक्सीमेटली, तो आपका यहां से केवल ये दोनों नाइट्रोजन बाहर करने हैं, हाइड्रोजन को कंबाइन करके आपको यहां पर एल्केन बनाना है। सिमिलरली आप कीटोन का एग्जांपल देख सकते हैं, ये कीटोन आपके पास सपोज अवेलेबल है और कोई भी कीटोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। देखिए यहां पर ये ऑक्सीजन है कुछ इस तरह से, ये बाहर हो जाएगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए बाय प्रोडक्ट मिलेंगे या आपको हाइड्रोजन मिलेगा। राइट, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। ये CH3 मैंने डाउन कर दिया बेटा डबल बॉन्ड और NH2। जब ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप हीट करेंगे 453 केल्विन पर तो बच्चों क्या मिलेगा, N2 यहां से बाहर करूं आपको ये एल्केन मिलेगा CH2 और CH3 साथ में N2 गैस। तो ये हो गया हमारा वोल्फ-किशनर रिएक्शन। आज हमने इसमें दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन को कवर किया है बेटा, और आगे मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर्टी अभी कंटिन्यू रहेगी और वीडियो में आप सपोर्ट रखिएगा, हमारी मेहनत आपकी जो लाइक शेयर और कमेंट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।